तो विजिबल है? थोड़ा बड़ा कर नहीं है दो। विजिबल। अब ठीक है? अब ठीक हाँ है? सर, हाँ, बहुत ओके दादा, ओके ठीक है सर। सर। अभी ये हाइड्रोलॉजी के हम आज टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें 34 क्वेश्चन हमको करने हैं, और अगर 34 क्वेश्चन आप भी करेंगे तो ऑलमोस्ट 99% हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो विद कॉन्सेप्ट हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज। पहला ऑप्शन है लीस्ट इन रीजन ऑफ स्केटी रेनफॉल, लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, लीस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, लार्जेस्ट इन कोस्टल एरिया। बताइए वेरिएबिलिटी। ए लगा दो सर, ए। स्टडी ए रहेगा, वेरिएबिलिटी बी आना चाहिए। इसका आंसर आएगा सी, हाई रेनफॉल एरिया के अंदर लीस्ट अच्छा वेरिएबिलिटी रहती है एनुअल रेनफॉल के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आए थे। नहीं तो सर, हाई वाले में जैसे एक मौसम में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, बाकी मौसम में अब जैसे चेरापूंजी नहीं, वगैरह वो सब पड़ते हैं। हाई हाई रेनफॉल एरिया अगर होगा तो वहां पे वेरिएबिलिटी कम रहेगी, वहां पे यूनिफॉर्मिलिटी बनी रहती है रेनफॉल की। कोस्टल एरिया में क्या होता है, किसी पे एक पेज में ज्यादा बारिश हो जाती है, एक पेज में बारिश ही नहीं होती है, तो कभी कम बारिश होगी, कभी ज्यादा बारिश होगी। बी वाला होगा नहीं। ये चेरापूंजी वगैरह इधर के बारे में मैं पढ़ा था कि एक साथ बारिश हो जाती अरे है, फिर बाद में बच्चे पानी कहाँ नहीं चिल्ला रहे रहता। बच्चे बच्चे, वो साइलेंट कर ले यार। नहीं, इसका आंसर एकदम वेरिड बुक से लिया है, सुब्रमण्यम से, तो आंसर सही है। ठीक है, ठीक टू है पॉइंट सिक्स है अपना। सीमेंट टाइप रेन गेज जो होता है उसमें कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर क्या रहता है? सिंपल क्वेश्चन है, 12.7 बारह बारह सात सात 12.7 सभी का सीएम आंसर है। सही है। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। रिकॉर्डिंग रेन गेज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वेइंग बकेट टाइप, ठीक नेचुरल सैपन टाइप्स। है, मतलब वही क्वेश्चन उठाए जो हमारे संभावना ज्यादा एग्जाम में आने की है। फॉलोइंग रिकॉर्डिंग रेन गेज डज नॉट प्रोड्यूस द मास कर्व ऑफ प्रिसिपिटेशन एज रिकॉर्ड। साइमंस रेन गेज, टिपिन बकेट टाइप रेन गेज, वेइंग बकेट टाइप रेन गेज, नेचुरल सैपन गेज, जिसमें मास कर्व नहीं बनता है। और साइमंस ये नहीं, टिपिंग बिल्कुल बकेट, बिल्कुल, एक वेगिंग टिपिंग बकेट बकेट टाइप। में टिपिंग मास कर्व नहीं बनता है। एग्जैक्टली सही बकेट में जवाब है टिप आपका। देखो सब में आप देखेंगे साइमन टाइप में, वेइंग बकेट टाइप में, नेचुरल साइफन में एक मास करो बनता है, मगर टिपिंग बकेट में क्या होता है, नंबर काउंट होते हैं। 0.25 mm का इसका एक बकेट होता है, वो एक बार जंप मार जाता है, यानी कि उसकी काउंटिंग से हम निकालते हैं कितना रेनफॉल हुआ है, इसलिए टिपिंग बकेट का टाइप इसका ओके, आंसर है। आज भी ओके, पढ़ाया था ये क्लास में। हाँ। व्हेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेंसिटी ऑफ स्नोफॉल इज नॉट अवेलेबल, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ स्लो स्नोफॉल इज टेकन एज। कितना लेते हैं दस हम परसेंट अगर कहीं दस बारिश हुई है? परसेंट 10%, सही जवाब। ठीक सिक्स क्वेश्चन है हमारा, डबल मास कर्व टेक्निक इज अडेप्टेड टू। तो इससे कंसिस्टेंसी बेटर है, कंसिस्टेंसी ए चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ ब्रेंडल रिपोर्ट। सही जवाब। मास कर्व ऑफ रेनफॉल ऑफ अ स्टॉर्म इज प्लॉट ऑफ। इक्वेशन प्लॉट इज डिक्रीजिंग चौथा, इंटेंसिटी। फोर्थ वन, मास करो एक्लिमेटेड रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम सी देखो हमेशा मास कर्व के टाइम इन अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर जरूर ध्यान रखना, ऑप्शन में सिमिलर आंसर दिए हुए होंगे मगर हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को ध्यान में रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्लॉट बिटवीन रेनफॉल हाँ इंटेंसिटी जैसे वर्सेस टाइम इज कॉल्ड एज। निखिल बताएगा। मास, क्या सर मास कर, रुको रुको रुको, दुखे हुए हैं तो हाइटोग्राफ नहीं जा रहे, जूते हाइटोग्राफ। खाया तो। रेनफॉल और बताओ, इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी हाइटोग्राफ, थर्ड नंबर बोल रहा हूँ, थर्ड नंबर। हाँ हीटोग्राफ है वो, मैं हीट हाइटोग्राफ बोल रहा हूँ, हीटोग्राफ इज प्लॉट ऑफ रेनफॉल वही सेम आंसर। इंटेंसिटी। बार एक अच्छा ग्राफ में क्वेश्चन होता है ना है, सर, बार ग्राफ में आता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, थीसन पॉलीगन इज।
क्या होता है सीजन पॉलीगन, इसका फॉर्मूला आपको पता ही, सी वन ए वन प्लस सी टू ए टू प्लस सी थ्री डी डी अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। तो इसका ऑप्शन क्या है बताओ, पॉलीगन अब पॉलीगन ऑप्टेंड ऑप्टेंड बाय जॉइनिंग एडजोइनिंग रेंज रेंज के जस्ट ए बी आएगा। बी आना चाहिए। देखो इसमें इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, सी वन ए वन यानी कि हम वेटेज लेते हैं एवरी एरिया का, यानी कि वेटेज मतलब वेइंग द ऑब्जर्व स्टेशन प्रिसिपिटेशन, यानी कि बी आंसर आएगा इसको। ये आएगा, ये प्रेजेंट रेडी है ये। और इसमें सर जो पॉलीगन बनता है वो रेन गेज को जो लाइन जोड़ती है उससे नहीं बनता, उस लाइन के परपेंडिकुलर जो डालते हैं उससे बनता है पॉलीगन। आइसोएट क्या होता है भैया, अगला मेथड ये आइसोपेट इज लाइन जॉइनिंग पॉइंट हैविंग, सिंपल क्वेश्चन है। इक्वल चौथा हाइट चौथा इक्वल डेप्थ इन गिवन ड्यूरेशन। इक्वल इक्वल इनफॉल डेप्थ, क्योंकि इनफॉल रेन गेज की बात चल रही है यहाँ पे, हम मेजर कर रहे हैं तो इक्वल इनफॉल डेप्थ इन अ गिवन ड्यूरेशन, जैसे हमारे कंटूर होता है ना वैसे आइसोलेट होता है बारिश को नापने वाला। ये एक फॉर्मूला है इसको हमको याद करना है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए तो। ई डब्ल्यू और ई ईडब्ल्यू ए दे माइनस रखा है डी ए हमको, सेचुरेशन वेपर प्रेशर और वाटर सरफेस ऑफ एयर रेस्पेक्टिवली, डॉल्टन लॉ फॉर इवेपोरेशन, ई एल इज यूनिट इज गिवन बाय ई एल इक्वल टू सी थर्ड नंबर। सी। ठीक है इसको डायरेक्ट याद कर लेना, सी इक्वल टू के कोष्टक ई डब्ल्यू माइनस ई ए। एवरेज पेन कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड यूएस वेदर ब्यूरो क्लास ए पेन इज 0.70 पॉइंट पॉइंट्स सेवन पॉइंट जीरो सेवन 0.7। द आईएसआई स्टैंडर्ड पेन इवेपोरेटर इज द सेम एज सेम एज द यूएस क्लास ए यूएसए पेन, पेन हैज एन सेम एवरेज नहीं पेन होता, कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड 0.60 होता लेस इवेपोरेशन देन यूएस क्लास ए पेन, पॉइंट तो मोर एट होता है, तो मोर हो गया, एट होता है इसका, 0.8 मोर हो गया। आईएसआई आईएसआई 3.4 आईएसआई का 0.8 तो होता है तो आई एस डी हो आई सर जाएगा, मॉडिफाइड यूएस ए होता है तो उसका 0.8 होता है, डी हो जाएगा। लेस होता है इसका। लेस लेस कैसे कैसे होता हुआ है? सर, आई एस आई का लेस होता है 0., उसके बाद यूएस का आता है नहीं तो सर 0.8 वैल्यू होती है तो पॉइंट लेस एट कैसे वैल्यू होती हुआ। है यार, पढ़ा हमने भी। ठीक है इसको अगर डाउट है तो मैं एग्जाम के बाद आपको दिखा दूंगा। ठीक है, केमिकल डेट इज फाउंड टू बी मोस्ट सुटेबल एज वाटर इवेपोरेशन इनहिबिटर इज, इथाइल अल्कोहल मेथनॉल को सही है, मिथाइल नंबर कौन सा, अल्कोहल सी मिथाइल एल्कोहल होगा नहीं, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, सी 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 उत्तर लगा रहा हूँ उसी, इथाइल केटल एल्कोहल होगा इसका आंसर। अल्कोहल। अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, विंड स्पीड। एरोमीटर अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ स्ट्रीम डिस्चार्ज और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ स्ट्रीम फ्लो। तो डायरेक्ट मेथड तो हमारे पास में एरिया वेलोसिटी मेथड, डायल्यूशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, और इनडायरेक्ट हमारे होते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वीयर्स फ्यूम्स गेट स्ट्रक्चर, और सेकंड नंबर पे स्लोप एरिया मेथड। तो स्लोप एरिया में कंफ्यूज मत होना, स्लोप एरिया इनडायरेक्ट मेथड में आता है, क्योंकि एरिया वेलोसिटी और स्लोप एरिया एक जैसा लगता है कभी कभी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। स्लोप एरिया ये तो आप समझ जाओगे स्ट्रक्चर वाला, तो मगर स्लोप एरिया भी इनडायरेक्ट मेथड में आता है, बाकी रिमेनिंग सारे डायरेक्ट मेथड में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक तो सर पहले क्वेश्चन आए थे, उनमें इनडायरेक्ट दिया था आंसर। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, कंफ्यूज करता है, ये डायरेक्ट ही है वो मतलब ना ना, क्यों अल्ट्रासोनिक में डायरेक्ट ही तो किया था हमने, डायरेक्ट ही किया था। इसलिए मैंने कहा नीचे डिस्कशन होगा इसलिए ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्वेश्चन नीचे आएंगे। साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वाटर फ्लो मेजर्स इज नोन एज हाइप्सोमेट्री, हाइग्रोमेट्री एट्रोमेट्री सब अपने अपने आंसर भी लगा देना कितने सही जा रहे हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो डिटरमिनेशन टेक्निक्स, गौर साहब बताओ। स्लोप बहुत एरिया डायरेक्ट स्लोप एरिया एरिया वेलोसिटी,
स्लोप एरिया एरिया। वेलोसिटी फैक्टर। बिल्कुल ऑप्शन में वहां भी यही देगा ये। स्टीलिंग वेल इज रिक्वायर्ड व्हेन द स्टेज मेजरमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉय। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हमने टॉपिक पढ़ा यस नहीं, सर, मगर फ्लोट फ्लोट गेज फ्लोट गेज रिकॉर्डर सही है। सही है, फ्लोट गेज सही। एक और एक क्वेश्चन है, एक्चुअली ये टॉपिक लिए हैं जो हमने ज्यादा रीड नहीं करे, मगर क्वेश्चन से हमारे कवर हो जाएंगे। इन द मूविंग बोट मेथड ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट एसेंशियल मेजरमेंट आर, ए नंबर पे है वेलोसिटी रिकॉर्डेड बाय करंट मीटर डेप्थ एंड द स्पीड ऑफ द बोट, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट मीटर एंड डेप्थ एंड टाइम इंटरवल बिटवीन डेप्थ रीडिंग, डेप्थ टाइम इंटरवल बिटवीन रीडिंग स्पीड ऑफ द बोट एंड वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, और फोर्थ वन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मीटर एंड स्पीड ऑफ द बोट। जब भी हम बोट में बैठ के स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करेंगे तो उसमें हमको वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट मीटर, द डेप्थ एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन डेप्थ रीडिंग, ये हमको मेजरमेंट करना होता है बी नंबर में। इसको थ्योरी कवर हो रही है, डायरेक्ट याद कर लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट नॉट कनेक्टेड विद स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर नहीं होता है। हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, स्लोप एरिया मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेवलपमेंट रेटिंग का एस्टीमेट फ्लड डिस्चार्ज बेस्ड ऑन हाई वाटर ये मार्क। डिस्चार्ज डिस्चार्ज मेजर करता है ना। ब्लड ब्लड डिस्चार्ज बी बी ठीक है, चलो अच्छा है। एक इसके बाद एएमसी का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी अभी क्लियर करता हूँ। इसके बाद में एएमसी क्या होता है, बार बार ये कंफ्यूज करता है। तीन तरह के एएमसी हम पढ़ते हैं, एएमसी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एएमसी एंटीसीडेंट मॉइस्चर कंडीशन होती है, रेफर्स टू द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सोइल एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनफॉल रन ऑफ इवेंट अंडर कंसिडरेशन। इट इज वेल नोन दैट इनिशियल एब्स्ट्रैक्शन एंड इन्फिल्ट्रेशन आर गवर्न बाय एएमसी। जो भी इनिशियल लॉस होते हैं वो एएमसी के द्वारा ही गवर्न होते हैं। फॉर पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्री लेवल ऑफ एएमसी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एससीएस मेथड। एएमसी फर्स्ट का मतलब ये होता है कि सोइल्स आर ड्राई बट नॉट टू विलिंग पॉइंट, विल्टिंग पॉइंट, सेटिस्फैक्टरी कल्टीवेशन हैज टेकन प्लेस। तो एएमसी फर्स्ट कंडीशन में ये होता है कि सोइल में मॉइस्चर हमारे कम है मगर ड्राई है, मगर इतनी भी ड्राई नहीं है कि विल्टिंग पॉइंट पे ही हो। एएमसी सेकेंड को हम एवरेज कंडीशन मानते हैं, और एएमसी थर्ड इसका फर्स्ट वाले का अपोजिट हो जाएगा, सफिशियंट रेनफॉल हैज ऑक्योर्ड विद इन द इमीडिएट पास्ट 50 डेज, 5 डेज, सेचुरेटेड सोइल कंडीशन प्रिवेल। यानी कि अगर कहीं ऑप्शन में आ जाता है कि भाई एम्स सेचुरेशन कंडीशन कौन सी एएमसी में होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड में होती है ड्राई, थोड़ी सोइल ड्राई होती है वो एएमसी फर्स्ट में होती है, एवरेज कंडीशन सेकेंड की होती है। हाइड्रोग्राफ बताओ, और रन डिस्चार्ज ऑफ, अगेन टाइम बी रन ऑफ बी अगेंस्ट टाइम बी। बी भैया डिस्चार्ज वैसे टाइम आएगा ना, डी क्यों आएगा, हाँ डिस्चार्ज वैसे टाइम बेस फ्लो क्या होता है। बेस फ्लो यार पड़ा हुआ है। अंकित तुबल बताना, और कोई बताओ, या अशोक, निखिल, गोस्वामी, ए डिलेड ग्राउंड वाटर फ्लो रिचिंग ए स्ट्रीम, ये होता है इंटर फ्लो होता है ना सर, बेस फ्लो इंटर हमेशा फ्लो, बारिश होने के कुछ समय बाद आता है। इंटर फ्लो वो होता है जो स्ट्रीम से पहले ही वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली अच्छा मेन स्ट्रीम में मिलता है। अच्छा सब सरफेस फ्लो ही तो होता है, सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो, वर्जिन फ्लो, वर्जिन वर्जिन बताएंगे फ्लो इसको। सर, दीपक सर आज बताया बिल्कुल था वर्जिन फ्लो। सर, हाँ डी ऑप्शन, होता है जब डी नो ऑप्शन, बिना छेड़छाड़ के। ऑब्स्ट्रक्शन डी डी अनअफेक्टेड बाय वर्क ऑफ द मैन, सही सी सही है। नाम भी ठीक है इसका।
इंटरमिटेड स्ट्रीम क्या होती है भैया? इंटरमीडिएट ये स्ट्रीम बताया था आज उसने। इज वाटर टेबल अबव द स्ट्रीम बेड इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट वाटर टेबल स्ट्रीम बेड फॉर द ईयर सेकंड स्ट्रॉन्ग फ्लैश फ्लो के इन साथ साथ बताया था। फ्लैश फ्लो रेस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग हैज फ्लो इन अ स्ट्रीम ड्यूरिंग वेट सीजन ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर। डज नॉट एनी कंट्रीब्यूशन टू ग्राउंड वाटर एट एनी टाइम, बताओ। सेकेंड होना चाहिए शायद सर, कंफ्यूज लग रहा है। इंटरमीडिएट और एक होता है ई से शुरू होती है, उसका तो होता है कि डज नॉट कंट्रीब्यूशन ग्राउंड वाटर, मगर इंटरमीडिएट का होता है हैज फ्लो इन द सी स्ट्रीम ड्यूरिंग द वेट सीजन ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर सी। खोसला फॉर्मूला मंथली रन ऑफ आर एम ड्यू टू मंथली रेनफॉल पी एम इज आर एम इक्वल टू पी एम माइनस एल एम। एल एम क्या होता है यहाँ पे? लॉस विदस्टैंड होता मंथली लॉस एंड डिपेंड ऑन द मीन मंथली कैचमेंट एरिया मंथली लॉस है कोफिशिएंट मंथली लॉस लॉस डिपेंडिंग ऑन। कोई तुक्का? फोर्थ तुक्का लग रहा बी 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 मंथली लॉस एंड डिपेंड ऑन द मीन मंथली कैचमेंट टेम्परेचर। फ्लो ड्यूरेशन ड्यूरेशन कर्व इज प्लॉट ऑफ क्वेश्चन है। कर्व एक्यूमुलेटेड फ्लो अगेंस्ट टाइम स्ट्रीम फ्लो। हाँ सही है, बी आएगा इसका आंसर आएगा फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है ए आपके स्टीम डिस्चार्ज अगेंस्ट द परसेंट चौथा। ड्यू टाइम फ्लो इज इक्वल टू एक्सीडेड। सी डी इसको याद कर लेना सीधा फ्लो ड्यूरेशन कर्व स्टीम डिस्चार्ज अगेंस्ट परसेंटेज ऑफ टाइम। ट्वेंटी फॉर अ बहुत गिवन कठिन स्ट्रॉन्ग। कठिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर अ गिवन स्ट्रॉन्ग अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम बेसिन हैविंग लो डेंसिटी गिव स्मॉल पीक इन फ्लड हाइड्रोग्राफ बेसिन हैविंग लार्ज डेंसिटी गिव स्मॉल फ्लड पीक लो ड्रेनेज डेंसिटी बेसिन गिव शॉर्ट टाइम बेस ऑफ हाइड्रोग्राफ द फ्लड पीक इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी, बताओ। एक लार्ज बेसिन तो आएगा, लार्ज तो आएगा, लार्ज एरिया में सेम लेते हैं कांस्टेंट, पर एक और लार्ज होता है कौन सा क्या पहला होगा सर लो ड्रेनेज डेंसिटी पे लो पीक आता है। और कोई नो आइडियाज। ड्रेन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रेन डेंसिटी बताओ कोई। रेनफॉल जो स्ट्रीम लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो कभी डेंसिटी डेफिनेशन पूछ जाए तो टोटल ड्रेनेज लेंथ अपॉन एरिया इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, और लो ड्रेनेज डेंसिटी होगी तो स्मॉल पीक इन फ्लड हाइड्रोग्राफ हमको मिलेगा। बेस फ्लो सेपरेशन इज परफॉर्म्ड क्यों किया जाता है? यूनिट हाइड्रोग्राफ टू गेट अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑन द फ्लड हाइड्रोग्राफ टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल रेनफॉल। फ्लड हाइड्रोग्राफ में किया जाता है टू ऑब्टेन रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। क्या आएगा बताओ? बेस फ्लो सेकेंड सेपरेशन। वाला इफेक्टिव रेनफॉल निकालने के लिए करते हैं सेकेंड। और कोई सही है सही ऑन फ्लड हाइड्रोग्राफ टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। एग्जैक्टली यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज अ यूनिट ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है। टोको डायरेक्ट रन ऑफ। रन ऑफ तादी बेसिक अजप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी याद कर लेना परमानेंटली। बेसिक अजप्शन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी आर टाइम नॉन लीनियर रेस्पॉन्स टाइम इनवेरियंस लीनियर रेस्पॉन्स टाइम लीनियर टाइम वेरियंस नॉन लीनियर और लीनियर। क्या आएगा बताओ? इसको याद कर लेना, क्वेश्चन सीधा टपक सकता है एग्जाम। ठीक सी सी और कोई। सी सी सर सी हम
सी, नहीं सर, नो आइडिया सर। इसको याद कर लेना, टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रेस्पॉन्स, दो इसकी एडप्शन होती है। ठीक है, अब हमको एक क्वेश्चन दे रखा है सिंपल सा कि दी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ कैचमेंट एरिया बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ओरिजिन ऑफ सिंगल पीक डायरेक्ट टन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू स्ट्रोम ऑफ दी आवर ड्यूरेशन बाय द टोटल रन ऑफ वॉल्यूम, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम, ड्यूरेशन ऑफ डी आर एच, टोटल रेनफॉल। ड्यूरेशन ऑफ डी आर ए होगा, ड्यूरेशन ऑफ डी आर ए तो नहीं होना चाहिए, डीएचए डीएचए डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ ही तो आएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ आ गया भाई, डायरेक्ट रन ऑफ वही आंसर है, घुमा दिया फालतू उसने। उसमें हाइड्रोलॉजिकल, अभी फ्लड रूटिंग के दो क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन सकते हैं, मैं थोड़ी ज्यादा पढ़ी नहीं है, मगर क्वेश्चन इसमें से अगर आएगा तो ये आएगा। हाइड्रोलॉजिकल फ्लड रूटिंग मेथड यूज्ड, कंटिन्यूटी ओनली। और कोई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओनली, और हाइड्रोलॉजिक में तो, लॉजिक में तो ओनली कंटिन्यूटी आएगी, और हाइड्रोलिक में चलेगा दोनों बोथ द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सर।